محمد وآل محمد. इस वक्त जनाब यूसुफ इब्ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का गुंबद जो है मुकम्मल होने को करीब है, और यहाँ पे हमने जो है मीनार नसब कर दिया गया है और गुंबद का काम जारी है. तकरीबन ये काम एक हफ़्ते से जारी है और ये तमाम मनाज़र आपको दिखा रहे हैं अलकादसिया अलहीरा जनाब यूसुफ इब्ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर से. मैं दुआ गूँ मोमिनीन के लिए जिन्होंने हिस्सा डाला, खुसूसन मैं दुआ गूँ फराज़ ख़ान और काज़मी सिस्टर के लिए, और न्यूयॉर्क के मोमिनीन के लिए, और ज़कल हसन भाई और जितने मोमिन मोमनात जिन्होंने हिस्सा लिया, रज़िया मासूमा सिस्टर, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं. ये इस वक्त आप देख रहे हैं जनाब यूसुफ इब्ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का गुंबद सब होने जा रहा है, और ये जैसे मुकम्मल हो जाएगा तो आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा. ये गोल्ड कलर का है और बहुत जल्द ये पूरा होने जा रहा है. जैसे आपको मालूम है कि ये गुंबद मैं ईरान से लाया हूँ, और ईरान के बाद फिर यहाँ इराक में इसको नसब किया जा रहा है. ईरान और इराक के कारीगर इसको नसब कर रहे हैं, और जैसे निशान हो जाएगा इस पर परचम कुशाई भी होगी, चेलम से ये आमादा हो जाएगा. पहले सुबह सवेरे आते हैं और फिर तकरीबन हमें जो है यहाँ पे शाम को वापस जाना होता है, और कभी शाम को आते हैं तो फिर पूरा सुबह की नमाज तक यहाँ पे काम करना होता है. ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, यकीनन बहुत ही जान लगाई है इसमें, बड़ी मेहनत की है हमने दिन रात एक करके जनाब यूसुफ इब्ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के गुंबद पर. दुआ करें इसको बहुत जल्द मुकम्मल करें, और दूसरे जो तमाम काम रह गए हैं उसे भी हम मुकम्मल करने जा रहे हैं. जैसे कि यहाँ का फ़र्श है, अंदर ज़रिए मुबारक है, और अंदर का फ़र्श है, लाइटिंग, पानी, और ये तमाम जो है काम रहते हैं, इसको भी हम बहुत जल्द मुकम्मल करने जा रहे हैं आप सबकी दुआओं से. और जिन मोमिनीन ने तआवुन किया उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं. इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपसे राज़ी रहें और उनका साया आपके सरों पर रहे. कितना खूबसूरत है, कमेंट्स में करके बताइएगा कि जनाब यूसुफ इब्ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मीनार और गुंबद बड़ा खूबसूरत नसब होने जा रहा है. जैसे मुकम्मल हो जाएगा इसकी असल शक्ल आपके सामने होगी, और यकीन हमें दुआ देंगे कि शाकिर भाई कामयाब हो गया अपने काम पर, कि उन्होंने रोज़ा बनाया, उसकी छत बनाई, मीनार लगाया, नसब किया और दीगर काम अंजाम दिए. बाकी जरी रहती है उसके लिए हम आप सबसे दुआ करें, बहुत जल्द वो भी होने जा रही है इंशाल्लाह. हेलो भाई, क्या हुसैन दिन रात मेहनत करके ये काम कर रहे हैं, और बस आपकी दुआएं चाहिए इसको मुकम्मल कर सकें. और ये आपको पता है जिस इलाके में हूँ, इस इलाके को अलहीरा कहते हैं, अलहीरा इसे कहते हैं कि जिस इलाके में मैं हूँ इसको नाम अलहीरा के नाम से पहचाना जाता है. ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोका था, हुर ने कूफा जाना नहीं दिया, और यहीं से फिर आपने करबला का रुख किया. करबला की सरजमीन पे आपको गिरा किया गया, और आपने 2 मुहर्रम पे खेमे लगाए और 10 मुहर्रम अलहराम है. या हुसैन, या गरीब, या मजलूम. इसका रास्ता कहाँ है? जी रास्ता, ये वो रास्ता है जो चश्मे इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे जाता है. इसके सामने एक चौकी नज़र आएगी, ये चेक पोस्ट है, आपको नज़र आएगा ये रोड रास्ते, और इस चेक पोस्ट पे ये दरख्त जो लगा हुआ है, जब भी आएगा आपके, अब तो आपको मीनार और गुंबद भी नसब हो गया है, अब इस पे बोर्ड भी लगाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा. जब भी कोई चश्मे इमाम हसन पे जाएगा तो जनाब यूसुफ पर ज़रूर ज़ियारत के लिए आएगा. उनकी असल कब्र बाकी है जब तक ज़री नसब हो जाती है. साथ ही अबू सज्जाद और सैफ और अली रज़ा जो इस गुंबद का काम अंजाम दे रहे हैं. ये गोल्ड कलर का है, ये सारा मुकम्मल होने के बाद पता चलेगा कि ये किस तरह का गुंबद है. इस पे काम बाकी है, बाकी कारीगर मंगाए और सारी चीज़ें इसकी जितने भी नक्स जो हैं कम है चीज़ें या क्या, उसको तमाम पूरा करके और बेहतरीन शक्ल में
आपके सामने निशान किया जाएगा इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं चाहिए पल पल। नीचे का हिस्सा भी मैं दिखा लेता हूँ आपको, और उसे भी एक नज़र डालें और दुआ करें अल्लाह मुझे मज़ीद कामयाबी दे। इस तरह के रोज़े मैं तामीर कराता रहूँ जो सहरा में। आपको पता है जनाब यूसुफ इब्न मूसा कादिरी यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे लिखेंगे, तो इससे पहले जो पहली पहली वीडियो उस रोज़े में जो मैंने खस्ता हालत वीडियो को दिखाई थी कि किस तरह इस रोज़े की जो कंडीशन थी और फिर मैंने किस तरह इसको गिरा के दोबारा बनाया है, एक एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे देख सकते हैं। तो उसमें आ जाएगा जनाब यूसुफ इब्न मूसा कादिरी शाकिर अली नजफी, तो पुरानी वीडियो भी देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। इस रोज़े के बाद जनाब जैद शहीद इब्न ज़ैनुल आबदीन के शहजादे हैं उनको मुकम्मल करने जाऊँगा अगर मौलाना ने तौफीक दी। उसके बाद फिर मैं हज़रत बहलूल अब्बासी इमाम मूसा कासिम का खूबसूरत शागिर्द उनके रोज़े पे इस तरह की मीनार और गुंबद और ज़रीन सब करूँगा, ये सब आपकी दुआओं से इंशाल्लाह। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मुझे चंदा दो, मेरी मदद करो, आओ ये करो वो करो, ये अल्लाह ने ज़बान नहीं दी है। मैं कहूँगा इमाम मूसा कासिम जिसे इजाज़त दे इस काम में वो आ गया है। शुरू दिन से मेरी ये हम वो चंदे वाले लोग नहीं हैं जो लोगों से चंदे मांगे और मन्नतें करें। तो ये आपके सामने है शहज़ादा यूसुफ का, शहज़ादा यूसुफ के सामने जहाँ मेरा हाथ का इशारा है, थोड़ा सा आगे जाके हज़रत जाफ़र व इस्माइल व हाशमिया इमाम रज़ा के सगे भाई मौला मूसा कादिम के दो बेटे और बेटी और भी हैं, और मेरे इस राइट हैंड पर जहाँ मेरा हाथ का इशारा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक शहज़ादा फ़ातिमा व हसन इन जिनके रोज़े मैंने और कब्रें तामीर करवाई हैं, उसके सामने एक फ़ातिमा और मोहम्मद, हाँ एक दूसरा भी है उनका रोज़ा भी है, उसके आगे फिर चश्मे इमाम हसन अलैहिस्सलाम आता है, और इस सीधे रास्ते मेरे मौला अली का रोज़ा वहाँ पे उसका रास्ता है, और यहीं पे जैद इब्न शहीद की औलाद है जैदी सादात के दादा, बहुत जल्द उसको भी मैं दुआ करूँ बाकर जैदी साहब के लिए और दीगर मोमिन मोमनात के लिए, खाला इफ़त नूर और जुमला मोमिन व मोमनात, ताज मोहम्मद भाई मारूफ स्टार, नुसरत बीबी और तमाम मोमिन के लिए जिन्होंने हर वक्त मुझे हौसला भी दिया और इसमें हाथ भी डाला और कार खैर में हिस्सा भी डाला। मैं नीचे का हिस्सा भी आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत जल्द, और वो भी देखिएगा इंशाल्लाह, जैसे मुकम्मल हो जाएगा उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे दुआ का कमेंट्स तो करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक खूबसूरत अंदाज तक पहुँच पाए। जनाब यूसुफ इब्न मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के जो है खजूर के बाग भी यहाँ पर मौजूद हैं, दरख्त भी हैं, और मैं आपको अंदरूनी मनाज़र दिखाने चला हूँ कि यहाँ पर अभी तक गुंबद का काम चल रहा है, 5 दिन हो गए, मामूली काम नहीं था, बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। देखिए हमने यहाँ तक तो काम मुकम्मल कर लिया है, ये मेन गेट है जहाँ परचम लगे हुए हैं, गेट लगेगी, नीचे फर्श पानी बिजली का काम अभी बाकी है इंशाल्लाह। ये देखें ज़्यारत करें, और यहाँ पे इनके दरवाजे सामने कलर करके रखे हुए हैं वो यहाँ पर नसब किए जाएंगे, हर चीज़ ओरिजिनल ली हुई है, कोई एक चीज़ ऐसे नहीं ली हुई। ये देखें लोहा भी आपको हाँ अच्छे से अच्छा लोहा मिलेगा, बड़े ख़ुद शौक से हमारे अपने घरों में भी मैंने नहीं सोचा कि ऐसी चीज़ें लगाऊं यहाँ पर जो चीज़ें लगाई गई हैं, क्योंकि हमेशा इंशाल्लाह रहेंगी। जनाब यूसुफ का रोज़ा इमाम मूसा कादिम के शहजादे पर ये हमने बिल्कुल वाइट कलर किया हुआ है पूरा खूबसूरत तरीके से, और इसके जो ये शीशे हमने लगवाए हैं वो बाहर से नज़र नहीं आते, अंदर से नज़र आते हैं, ये वाइट नहीं है और बाहर से कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ अंदर से जो है बाहर वाली चीज़ें नज़र आती हैं, और ये कब्र मुतहर जिसकी ज़री अल्लाह करेगा जब बन जाएगी खूबसूरत तरीके से नसब भी होगी, और ये गुंबद काम बाकी है अंदर से, और इंशाल्लाह काम चल रहा है, ये जब मुकम्मल हो जाएगा बीच में मेरी कोशिश है कि फ़ानूस भी नसब किया जाए ताकि खूबसूरत तरीके से रोशनी यहाँ पर फैल जाए। पंखे स्प्लिट रहती हैं, पंखे लाइटिंग के सारा काम रहता है, एक स्प्लिट यहाँ पे लगी जाएगी बहुत बड़ी, और एक स्प्लिट यहाँ पर और एक स्प्लिट वो, 3 स्प्लिट यहाँ पर लगेंगी बड़ी कूलिंग के लिए,
इंशाल्लाह। और ये सारी बात की बातें ज़रिए मुकद्दस इंशाल्लाह ये हो जाएगी, तो फिर फ़र्श भी इंशाल्लाह इन दिनों में मुकम्मल किया जाएगा इस फर्श को, और आप सबकी दुआएं चाहिए। اللهم صل على محمد وعلى محمد ہے یوسف ابن موسی کاظم جن جن مومنین مومنات نے اس قار خیر میں حصہ لیا ہے ان سب کی حریضہ اپنے بابا کی بارگاہ میں پیش کریں ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں وہ آسان اور صدیے کو قبول فرمائیں اے امام موسی کاظم کے شہزادے لاکھوں درود و سلام آپ پر آپ کے جد امجد امام موسی کاظم علیہ السلام پر आपको बताता चलूँ हर वीडियो में मैंने बताया कि ये वो मकामात हैं जो ये वो जगह है जहाँ पर हुर ने इमाम हुसैन को रोका था, इसी जगह पर जमे में जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शहजादे जो हैं उनका रोज़ा अतहर है। तो ये बेहतरीन काम होने जा रहा है, दुआ करें। आपको यकीनन पसंद आया होगा मेरा ये काम, मौलाना ने जो ड्यूटी ली है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता हूँ, अल्लाह करे, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विश है कि जनाब बहलूल के रोज़े पर गुंबद नसब हो, क्योंकि वो वाहबियों के अंडर में हैं, हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी, वहाँ पे भी ज़री नसीब हो नसब हो और वहाँ पे ज़ायरीन जाएं। हज़रत बहलूल दाना, क्या ही बात है, मेरी ज़िंदगी की विश है कि मैं उसे भी मुकम्मल कर सकूँ और उधर मुझे इजाज़त मिले हर तरह से इंशाल्लाह। मेरा साथ दीजिएगा इस कार खैर में। अभी चहलुम का जो है लंगर न्याज का इत्माम कर रहे हैं और बहुत जल्द चहलुम पर लंगर न्याज तकसीम किया जाएगा। आप मोमिनीन से भी इंशाल्लाह उसमें शरीक होने के इल्तमास करूँगा कि चहलुम में इमाम हुसैन, जो इस वक्त बहुत शिद्दत की गर्मी है, सबील पानी की जितनी चलाई जाए कम है, जूस जितने चलाए जाए कम है, लस्सी जितनी चलाई जाए कम है, और फ्रूट लंगर उनियाद जो चलता है हर साल की तरह, एक मोमिना मेरी खाला माँ हुफत नूर वो ऊँट देती है हर साल, आटा देती है, चावल देती है, और न्यूयॉर्क के मोमिन जो हैं एक गाय उनकी तरफ से होती है। जिन मोमिन मोमिनात ने लंगर करना हो चेलम में, मौके पे करीम एलबेक 120 नंबर पर हमारा नजफ से होता है, उसमें शरीक हो सकते हैं। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह चेलम में मेरे साथ रहेंगे इस लंगर न्याज के तावन में। अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे। हज़रत यूसुफ इब्ने मूसा काज़िम का रोज़ा आपके सामने, ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने जब मैं गुंबद बना रहा था तो इन्होंने मुझे कहा था कि आप जो हैं वो दूसरा जो सीमेंट वाला होता है वो ना बनाए, इसमें काफ़ी ख़र्चा आता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी तकरीबन सिर्फ गुंबद के ऊपर 80 लाख रुपए खर्च आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिर्फ गुंबद के ऊपर, और इतने हमारे वो जो है इतनी थी नहीं कि हम उसको कर पाए। बहरहाल ये गुंबद हमारे मोमिनीन, अल्लाह उनको शाद और आबाद रखे, न्यूयॉर्क के मोमिनीन फराज खान, सिस्टर काजमी, रकाल हसन भाई और जुमला मोमिनीन, मेरी बहन मासूमा और रदिया, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। मोहिब अली उनके वालिद मोहतरम के लिए और उनके औलाद के लिए दुआएं। ये पूरे गोल्ड का लगता है, ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह। जब ये मुकम्मल हो जाएगा काम तो आप देखिएगा।